नमस्कार, इन्फ्लुएंस टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है महेश विश्वकर्मा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी के रिलीजिंग से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। बताना चाहूंगा दोस्तों कि अब ये फिल्म रिलीज होने को आई है। जबकि दोस्तों फिल्म के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह और लीड रोल स्टार कास्ट अभिनेत्री की भूमिका में कटरीना कैफ नजर आएंगे फिल्म में। दोस्तों फिल्म में थ्रिलर एक्शन बड़े पैमाने पर फिल्माए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पूरे भारत में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से ये फिल्म अब सिनेमा घर में नहीं रिलीज होगी। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पूरे भारत में बंदी चल रही है, अब पूरे फिल्म इंडस्ट्री का काम रुक गया है। अगर हम दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जाएंगे तो साल 2021 में कहीं हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये फिल्म 24 मार्च 2020 को सिनेमा घरों में एंट्री मारने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब ये फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों फिल्म को लेकर के फिल्म की रिलीजिंग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अब ये फिल्म इंटरनेट पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। बताना चाहूंगा दोस्तों कि खबरें हैं कि इस फिल्म के जो मेकर हैं, फिल्म मेकर्स जो हैं, इस फिल्म को अब इंटरनेट जैसे कि MX प्लेयर है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, वीडियोज देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब खबरें हैं कि इस फिल्म को अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। क्या इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें अगर कुछ भी कहना चाहते हैं फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। धन्यवाद।